नमस्कार मु बरखा आज आपण को आम चैनल रे स्वागत करुची। आज आम आलोचना करिबा टीबी रोग हेबारु कौन सब लक्षण देखा जाए एवं तापाई के सब घर उपाय अच्छे किंतु एपे जाके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करनी भूलिबेनी बेल बटन ने क्लिक करिया को बेल बटन ने क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई जांती आमर अपकमिंग वीडियोस रा एवं आपण को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक और कमेंट दिंतु ता सहित निज पर लोक और सांग सहित आम भिड सेयार करूँ जापर कि टीबी रोग हबार कौन सब लक्षण देखा जाए कि क्यों सब घर उपाय अच्छे तो चलतु जाणवा कि टीबी रोगपाई क्यों सब लक्षण देखा जाए। तो प्रथम लक्षण हूँ आपणकर प्रबल जोर काश होता है एवं यही काश तीन सप्ताह पर्यंत चली थाए। जदि आपणकर काश तीन सप्ताह पर्यंत चलिबो ओ छाड़िबनी सेटा गोटे प्रकार लक्षण होइथाय टीबी रोगर एवं आपण जदि एही लक्षणटा देखुचांती ताहले तुरंत जाइकी डॉक्टर को सहित कंसल्ट करंतु। द्वितीय जिनस होची जदि आपणक छाती रे कोनोसे प्रकार जंत्रणा होची ताहले सीए मध्य गोटे प्रकार लक्षण होइथाय टीबी रोगर एवं जदि आपण को एही प्रकार किछि भी लक्षण देखा जाउची ताहले तुरंत जाइकी डॉक्टर को सहित कंसल्ट करंतु हेले जाइकी आपणकर ट्रीटमेंट होई परिबो एवं आपण औषध किंबा घरोई उपाय रे टीबी रोग भल कर पाथांती। तृतीय जिनस होची आपण बहुत दुर्बल ओ हालिया बारंबार होइथांती। दुर्बल ओ हालिया हबा आमर टीबी रोगर गोटे प्रकार लक्षण होइथाय एवं जदि आपण को एही प्रकार लक्षण देखा जाउची ताले आपण तुरंत जाइकी डॉक्टर को सहित देखावंतु। चतुर्थ जिनस होची आपणक ज्वर राति रे जदि बढ़ी जाउची राति ज्वर बढ़िबो मध्य एक प्रकार टीबी रोगर लक्षण होइथाय। पंचम जिनस होची आपणकर ओजन जदि अचानक कमी जाउची ताहाले सीए मध्य गोटे प्रकार लक्षण होइथाय टीबी रोगर। ता सहित आपण को खाद्य रे जदि आपण देखुचंती कि आपण को खाद्य खाइबा कमी जाउची किंबा आपण को भोक लागिबा कमी जाउची ताहाले मध्य आपण जानिबा दरकार कि एटा टीबी रोगर गोटे प्रकार लक्षण होइथाय। नेक्स्ट जिनस होची राति सोइला बेले जदि आपण को शरीर प्रचुर मात्रा रे झाळ बाहरची ताहाले सीए मध्य गोटे प्रकार लक्षण होइथाय टीबी रोगर। शेष जिनस होची जदि आपण कासिला बेले कासरे आपण रक्त पडुची ताहाले आपण आउ किछि न भाबी तुरंत जाइके डॉक्टर को सहित कथा हेबे कारण सेइटा गोटे मुख्य कारण आपणकर टीबी रोग हबार। तो एबे चलंतु जानिबा कि टीबी रोग को किपरि आपण घरोई उपाय ठीक करि परिबे। तो प्रथम उपाय होची कदळी खाइ मध्य आपणकर टीबी रोग ठीक करि परिबे सेथिपाई कि आपणको गोटिए पाचिला कदळी नबार अछि ता सहित आपणको गोटे कप नडिया क्षीर नेबे सेथिरे जदि आपण डेढ़ कप दही एवं गोटे छोट चमच मुहु नेकी ताको गोटे भल मिक्सचर करुचंदी एवं सेही मिक्सचरटा आपण सप्ताह को दुई थरे लेखाए खाउचंती ताले मध्य आपणकर टीबी रोग ठीक होई जायताए। एही उपायटा आपण दिनकु गोटे थर करिपरिबे नहले आपण सप्ताहकु दुई कु तीन थर करंतु। आपण कमला रस पीकी मध्य आपणकर टीबी रोग भल कर पारथांती सेथिपाई कि आपणकु सबु दिन गोटे कमलाकु भलसे काटिकी ता रस बाहर करिवार अछि। रस रे आपण गोटे चिमुटा लुण एवं गोटे बड़ चमच मोहु मिसाइकी जदि आपण दुई ग्लास लेखाए सकाळे गोटे ग्लास खाली पेटरे एवं गोटे ग्लास संध्याळे नोचती ताहाले आपणक टीबी रोग भल होय जायताए। एही उपायटा आपण सबु दिन करंतु हेले आपणकर टीबी रोग हबार जो लक्षण थाए सीए कमी जायताए एवं आपण टीबी रोगरु रक्षा मध्य पाइथांती। जिनस होची जदि आपण कमला सबु दिन न खाइ परिबे ताहाले आपण सजना पत्र व्यवहार करी मध्य आपणकर टीबी रोग ठीक करि परिबे सेथि पई कि
ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠାଏ ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ସେହି ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିବି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଟିବି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସଜନା ଛୁଇଁର ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଁଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅଁଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ 3-4 ଅଁଳା ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଅଁଳାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ରସ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେହି ରସରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିବି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଟିବି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଟିବି ରୋଗ ହେବାର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘରୋଇ ଉପାୟ। ତ ଆପଣ ଏହି ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିବି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ନ ଭାବିକି ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଟିବି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁକି କେଉଁ ସବୁ ଔଷଧ ଅଛି। ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ନିଜର ଟିବି ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।